नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस लेक्चर में हम लोग जनरल स्टडीज पेपर टू के 200 वर्ड्स के मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे फॉर यूपीपीएससी मेंस 2018। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉर यूपीपीएससी मेंस 2018। कोर्स की डिटेल्स यहाँ दिए हैं। अगर आप हमारे साथ YouTube पे जुड़े हुए हैं तो इट इज़ कंपलसरी कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी नोटिफिकेशंस। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है पेड कोर्सेज फॉर ऑल योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी इंक्वायरी। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन द लेक्चर। हम लोग कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं 13वां क्वेश्चन। India has lately emerged as a front runner for a seat in the permanent member of United Nations Security Council. यानी कि India जो है recently emerged कर गया है as a top contender for a permanent seat किसमें United Nations Security Council। इसके आपको examine करना है कि whether these claims are actually valid। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसा कि आप लोग जानते होंगे इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट हैं एंड बाकी 10 जो हैं वो आपके इलेक्टेड हैं एंड दे आर नॉन परमानेंट। राइट, ये 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? तो इंडिया जो ये 10 हैं इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स, इसमें इंडिया बार बार जो है उसका मेंबरशिप जो है ऑक्यूपाई करता है लेकिन इंडिया परमानेंट मेंबर्स में नहीं है। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स के पास स्पेशल पावर्स हैं जैसे कि वीटो पावर। कोई भी डिसीजन होता है इट इज थ्रू कंसेंसस। अगर एक भी कंट्री इन 5 परमानेंट मेंबर से एक भी कंट्री अगर डिसीजन को वीटो कर देता है तो वो डिसीजन जो है इनवैलिड या फिर वॉइड हो जाती है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? USA, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अभी जो टॉप कंटेंडर्स हैं इस परमानेंट सीट के लिए उन्हें कहा जाता है G4। G4 को आप कैसे याद कर सकते हैं? बिग जे। बिग जे मतलब ब्राजील, ठीक है, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। समझ में आया चीज? तो ये 4 बिग कंटेंडर्स हैं जो एक तरह से मेजर इकोनॉमीज हैं, इनकी पॉपुलेशंस भी काफी हैं एंड दीज हैव प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल, ये 4 कंट्रीज। ठीक है, तो इसलिए ये कंटेंड करते हैं फॉर अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ताकि ये जो आपकी बॉडी है ये और रिप्रेजेंटेटिव हो सके फॉर द करेंट सिनारियो। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं इसका आंसर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन और इसका मेन रोल क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसकी जो पावर्स हैं वो दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर में और इसके पावर क्या क्या हैं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इंटरनेशनल सैंक्शंस को एस्टैब्लिश करना और मिलिट्री एक्शन को ऑथराइज करना। किसी कंट्री के खिलाफ अगर आपको मिलिट्री एक्शन करना हो तो वो ऑथराइज करेगी यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो बेसिकली इट मेंटेन्स द इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज हैं कि जो करंट यूनाइटेड नेशन और उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो करंट सिनारियो को 21st सेंचुरी के सिनारियो को ग्राउंड रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब इसके बॉडी पे आते हैं हम लोग। इंडिया ने अर्ज किया है यूनाइटेड स्टेट्स को टू टेक द लीड इन द रिफॉर्म प्रोसेस। किसका रिफॉर्म? यूनाइटेड नेशन और उसके सिक्योरिटी काउंसिल का एंड वर्क विद रशिया एंड चाइना ताकि एड्रेस कर सकें उनकी इनसिक्योरिटीज रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। अब अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं आपके? USA है, UK है, फ्रांस है और आपके रशिया एंड चाइना है। राइट, अब इन जनरल अगर देखा जाए तो USA, UK, फ्रांस जो हैं एक तरह से एलाइज हैं। ये दोनों वर्ल्ड वॉर में भी एलाइज थे प्लस ये दोनों आपके वेस्टर्न पावर्स हैं। राइट, जो आपके कोल्ड वॉर में भी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ऑल्सो कोल्ड वॉर में ये वेस्टर्न ब्लॉक में थे। दूसरी तरफ आपके रशिया एंड चाइना हैं जो आपके वर्ल्ड वॉर टू के बाद ईस्टर्न ब्लॉक में यानी कि USSR का जो ब्लॉक था उसमें थे। तो इसलिए ये दोनों फील करते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कोई भी अगर इंटरनेशनल डिसीजन होती है वो 5 मेंबर के कंसेंसस से होगी। एक भी कंट्री अगर उसको वीटो करता है तो क्या होगा? वो डिसीजन वॉइड हो जाएगा। अब रशिया और चाइना की इनसिक्योरिटीज क्या हैं कि अगर इसमें मेंबर्स और लाए जाते हैं, अगर इसका रिफॉर्म किया जाता है तो इन रशिया और चाइना को हो सकता है कि वो कंट्रीज आके और इन कंट्रीज के साथ मिलके रशिया और चाइना को डोमिनेट कर दें। समझ में आया?
इसलिए इंडिया ने अर्ज किया है यूनाइटेड स्टेट्स को कि इट शुड लीड द रिफॉर्म प्रोसेस, और रशिया चाइना के साथ वर्क करना चाहिए ताकि उनके इनसिक्योरिटीज को एड्रेस कर सकें रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म। अदर जो G4 मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग में इंडिया वॉन्टेड देम टू कंटिन्यू वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग अर्ली रिफॉर्म। इंडिया के क्रेडेंशियल्स क्या हैं जिस पर वो स्टेक कर सकता है अपना क्लेम। इंडिया एक एक्सटेंसिव कॉन्ट्रीब्यूटर है टू द एक्टिविटीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। और कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देखे तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो साइज है, GDP है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, सिविलाइजेशनल लेगेसी, इंडिया इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, कल्चरल जो डाइवर्सिटी, हम लोग अलग अलग हमारे यहाँ लोग हैं, है ना, आप देख सकते हैं तमिल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं आपके अलग अलग टाइप के लोग, प्लस आपके रिलीजन भी अगर देखें तो उसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया। पॉलिटिकल सिस्टम अगर आप देखें, पास्ट एंड ऑनगोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, इनके बेसिस पे हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव, अगर इंडिया बनता है मेंबर तो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा इंडिया जो है, इट इज सूटेड फॉर परमानेंट मेंबरशिप। इंडिया का परफॉर्मेंस जो था एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2011-12 में, इसने भी इंडिया का क्लेम जो है वो और स्ट्रेंथन कर दिया है। इंडिया जिसने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था 1945 में, यानी कि आज़ादी के 2 साल पहले, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ ट्रूप्स टू यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन। यूनाइटेड नेशंस की अपनी खुद की भी फोर्स है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस, ठीक है, ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए होती हैं। तो इंडिया जो है इसमें जो है इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, और इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, इट इज मोर देन डबल। कहाँ, यहाँ पे लिखा है इंडिया हैज अराउंड 8500 पीस कीपर्स इन द वर्ल्ड इन द फील्ड, मोर देन ट्वाइस, यानी कि डबल से भी ज़्यादा है एज मेनी एज यूनाइटेड नेशन के जो 5 बिग पावर्स हैं, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके जो 5 मेंबर हैं, इनके जितने ट्रूप्स हैं उनका दुगने से भी ज़्यादा इंडिया के ट्रूप्स पीस कीपिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। समझ में आया चीज़। इसके बाद जो इंडिया है, इट हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन और लार्जेस्ट लिबरल डेमोक्रेसी है, ठीक है। और अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे इंडिया की जो इकोनॉमी है इट इज़ 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे देखा जाए तो इट इज़ 3rd लार्जेस्ट। आप इन दोनों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, हम इसे GS3 के पेपर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। करेंटली इंडिया का जो है इट मेंटेन्स द सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव आर्म फोर्सेज, यहाँ पे आपके जो आर्म फोर्सेज हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। एक्टिव आर्म फोर्स, एक्टिव मतलब आपके रिजर्व फोर्स भी होती है, राइट, रिजर्व पर्सनल भी होती है और एक एक्टिव आर्मी भी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्टिव फोर्स है आपकी आर्म फोर्सेज वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और इंडिया साथ ही में एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी है। तो इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ये न्यूज़पेपर है, इसने क्लियरली स्टेट किया था कि इंडिया, अगर अ सीट फॉर इंडिया वुड मेक द बॉडी दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक। काफ़ी लंबे अरसे तक इंडिया हैड बीन कॉलिंग फॉर अ रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया अलॉन्ग विद ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी, जिनको इकट्ठा कहा जाता है G4, जो मैंने आपको बताया G4 आप याद कर सकते हैं, सिंपल सा इसका एक्रोनियम है बिग जे, ठीक है, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान, इसने प्रपोज किया था एक्सपेंशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया का बिड जो है फॉर परमानेंट मेंबरशिप इज नाउ बैक्ड बाय 4 ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स, यानी कि 4 आपके चाइना को छोड़ के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो इंडिया का सपोर्ट करते हैं फॉर अ परमानेंट सीट। 15 अप्रैल 2011 में चाइना ने भी इंडिया के लिए सपोर्ट दिया था, लेकिन एक शर्त रखी थी कि इंडिया जो है जापान को जो बैक करता है कि जापान को भी परमानेंट सीट मिलना चाहिए, वो विड्रॉ कर ले। समझ में आया चीज़। वे फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रजातंत्र है, और दुनिया की सेकेंड सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत की, और सबसे ज़्यादा डाइवर्स है। इनके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया मस्ट बी इंक्लूडेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दीज आर द रीजंस। तो हमने यहाँ पे एग्जामिन किया है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। SHGs ये क्या होती हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दे हैव ब्रॉट अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन द स्टेटस ऑफ मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, डिस्कस दिस। तो आप सेक्शनल जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये क्या होती हैं, इनको हमें अभी आंसर में देखते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होती हैं? दीज आर इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ पीपल जो इकट्ठा आते हैं ताकि वो तरीके ढूंढ सके जिससे उनकी लिविंग कंडीशन जो है इम्प्रूव हो सके। ठीक है, ये सोशल कैपिटल को बिल्ड करते हैं। कैपिटल मतलब क्या? जिस चीज़ के ऊपर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी पोटेंशियल उससे आप कुछ बिल्ड कर सकें। सोशल कैपिटल मतलब इकट्ठा। ठीक है, ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है,
इंडिविजुअल कैपिटल जैसे क्या हो गया, इंडिविजुअल कैपिटल मतलब जैसे आपकी स्किल्स हो गई, ठीक है, या फिर आपका हेल्थ हो गया, ये सब आपका कैपिटल है, ठीक है, इसके ऊपर आप कैपिटलाइज करके कुछ डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सोशल कैपिटल क्या हुआ, एक समूह का पूरा स्किल्स और समूह की पूरी ओवरऑल हेल्थ, इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेटस, इस टाइप से, समझ में आया। तो जो SHGs होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सबसे पहली बात क्या होता है, इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है कुछ लोगों का जो इकट्ठा आते हैं ताकि अपनी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। ये सोशल कैपिटल डेवलप करते हैं किसका, गरीबों का और खासकर महिलाओं का। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, ये एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने मेंबर्स को कि ये सेव करें यानी कि पैसा बचाएं, एंड परसुएट देम टू मेक अ कलेक्टिव प्लान फॉर जनरेशन ऑफ एडिशनल इनकम एंड एक्ट एज अ कॉन्डुइट फॉर फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज टू रीच देम। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अगर कोई जैसे आपके गरीब हैं, ठीक है, उनके पास जो इंडिविजुअल जो उनके पास पैसा है वो काफ़ी कम है, ठीक है, मान लीजिए हर बंदे के पास कितना वो लगा सकता है, मान लीजिए 1,000 रुपये मैक्सिमम दे सकता है गरीब। अगर ये इसमें 1,000 इंडिविजुअल 1,000 लेवल पे कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता, ना कुछ डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, कोई आप मिल भी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही आपके अराउंड 50 इकट्ठा हो जाए तो कितना आपका कैपिटल हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल लेवल पर अगर ये बैंक में लोन देने जाएँ तो बैंक भी इनको लोन देने से कतराएगा क्योंकि वहाँ पे कोलैटरल नहीं दे सकते ये लोग, ठीक है, और क्योंकि वापस जो रिटर्न की कैपेबिलिटी है इस इंडिविजुअल की वो काफ़ी कम होगी। लेकिन 50 का समूह जो अगर जाएगा बैंक के पास तो बैंक लोन देने के लिए सोचेगा, क्यों, क्योंकि 50 लोग कलेक्टिवली जो है इनकी कोलैटरल जो है, कोलैटरल मतलब क्या, जो गिरवी चीज़ रखते हैं ये आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड दीज पीपल हैव मोर टू लूज, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है रिटर्न करने का, जो पैसा है आपका जो लोन लेंगे ये लोग बैंक से, वो ज़्यादा होगा, इसलिए बैंक इनको लोन दे सकती है, लेकिन वो इस इंडिविजुअल को लोन देने से कतराएगी। तो एक तरह से आपका यहाँ पे सोशल कैपिटल जो है डेवलप हो गया है समूह का, समझ में आया, और प्लस इकट्ठा इनका कैपिटल भी काफ़ी है, ठीक है ना। इस टाइप से ये चीज़ होती है आपकी SHGs। तो इसमें क्या होता है, कलेक्टिव प्लान बनाता है ये लोग ताकि एडिशनल इनकम जो है जनरेट कर सके। कॉन्डुइट, कॉन्डुइट मतलब क्या होता है, मीडियम फॉर फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज टू रीच देम। जैसे मैंने आपको बताया कि लोन ले सकते हैं फॉर्मल बैंकिंग से, मनी लेंडर्स पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। सच ग्रुप्स वर्क एज अ कलेक्टिव गारंटी सिस्टम फॉर मेंबर्स हु प्रपोज टू बोरो फ्रॉम ऑर्गेनाइज सोर्सेज। इसमें कलेक्टिव गारंटी सिस्टम होती है, कलेक्टिव गारंटी मतलब क्या, सब इकट्ठा एक प्रॉमिस करते हैं बैंक को कि भाई हम आपका पैसा पक्का लौटा देंगे। अगर मान लीजिए 50 में से इन्होंने 50,000 का लोन लिया है, ठीक है, हर महीने इनको बैंक को 100 रुपये देना पड़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पे जो भी चीज़ है आपका EMI के बेसिस मान लीजिए लिया है इन लोगों ने, और हर व्यक्ति को 100 रुपये देना है। अगर कोई एक इस 50 में से एक महिला जो है वो अपना 100 रुपये नहीं दे पाती है तो बाकी लोग उसको प्रेशराइज करेंगे कि तुम 100 रुपये जो है किसी थाल में दो, और अगर नहीं दे पाती है तो अगले महीने तुम 200 दो, इस महीने तुम्हारे लिए हम 100 दे देंगे, इस टाइप से। तो ये कलेक्टिव गारंटी सिस्टम हो गया, समझ में आया चीज़। तो इस टाइप से जो है आपकी जो इकट्ठा जो आपका SHG बना है, यहाँ से आपका एक मीडियम बन जाता है कि आप फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो SHGs हैं, दीज हैव इमर्ज एज अ मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस। नाउ रिमेंबर, ये जो SHGs हैं आपका, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंशन है आपके जनरल स्टडीज 2 के सिलेबस में, तो ये इस आंसर पे आप पूरी तरह से गौर कीजिएगा, ठीक है, दिस आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में अगर और यहाँ पे आप मान लीजिए कि SHG के बारे में आपको सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, हमारे सारे आंसर्स आर एब्सोल्युटली कॉम्प्रिहेंसिव, आप यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मेक नोट्स, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दीज 835 आपको पूरे सीरीज में 835 क्वेश्चन दे रहे हैं, एंड आई कैन गारंटी यू अगर आप 835 क्वेश्चन थरोली करते हैं तो आपका 70-80% प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन। इसके अलावा आप बस एक बार आप जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपकी किताबें हैं बेसिक, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, इनको आप एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा बस आप ये 835 क्वेश्चंस कर लीजिए, वी कैन गारंटी कि आपका जो मेंस है उसमें आपको 500 प्लस मार्क्स आएंगे आउट ऑफ योर 800, ठीक है। ईच पेपर जो है GS1 से 4 कैरिंग 200 मार्क्स। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड एज अ वाइटल फोर्स ऑफ प्रोग्रेस इन रूरल एरियाज, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट हैज अपियर्ड एज अ स्कीम डिजाइन टू एनहांस द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, और मेनली फोकस किस पे करता है कि बेनिफिट जो डेवलपमेंट का है वो हर गरीब को पहुंचाया जा सके ताकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है इंप्रूव हो सके। SHGs जो है ये इंटीग्रेट करती हैं लोअर इनकम सेगमेंट्स को विद द रेस्ट ऑफ रूरल कम्युनिटी ताकि इंश्योर किया जा सके उनका बेटर पार्टिसिपेशन इन अ मोर इक्विटेबल शेयर इन द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट। अब इनका रोल क्या क्या है, ये किस तरीके से इंप्रूव करती हैं, इसको देखते हैं हम लोग। SHG और पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी एलिविएशन मतलब क्या, गरीबी को दूर करना, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ SHGs हैं, इसने अपने मेंबर्स को बेनिफिट किया है, हाउ, उनके एसेट्स को बढ़ाया है, इनकम को बढ़ाया है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उनके पास मिली है। जैसे मैंने कहा आपको, अगर कोई खादी का मिल खरीद लेता है ना,
इस टाइप से कुछ भी अगर मतलब वो खरीदते हैं जिस पे आप प्रोडक्टिवली सबके सब जो है इकट्ठा काम कर सकते हैं, तो उससे क्या है सबका जो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या था, उनके पास कैपिटल की कमी थी, मैं आ रहा है, लेकिन ग्रुप के पास कैपिटल सफिशियंट था। देर हैज बीन सिग्निफिकेंट शिफ्ट जो है इन द यूज ऑफ लोन्स पर्सनल कंजम्पशन से ताकि फॉर इनकम जनरेटिंग पर्पसेस, यानी कि पहले जो लोन लिया जाते थे वो खुद के पर्सनल कंजम्पशन जैसे शादी का खर्चा हो गया या फिर खाने पीने के लिए या फिर कुछ और खर्चे के लिए जो है आपके लोन लिया जाते थे पहले, लेकिन अब अगर लोन लिए जाते हैं वो किस लिए, ताकि इनकम जनरेट किया जा सके। तो ये काफ़ी अच्छा जो है आपकी टेंडेंसी आई है। इसके अलावा जो है मेंबर जो हैं आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, साथ ही में कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कैपिटल यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हुई, इसलिए अब वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं। इसके वजह से क्या है वो पॉवर्टी से विशियस साइकिल जो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, विशियस सर्कल जो है इससे ये बाहर आ गए हैं। एसएचजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या, जो फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज हैं वो रीच कर पा रही हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि उनकी जो कलेक्ट्रल है, जो कलेक्टिव गारंटी सिस्टम है, इसके वजह से दे आर एबल टू एक्सेस योर फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज। सबसे बड़ा कारण जो रूरल पॉवर्टी का है दैट इज लो एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। प्लीज नोट दिस पॉइंट, ठीक है ना, एज पर अ सर्वे रिपोर्ट, ये सर्वे का जो रिपोर्ट है यू शुड बी एबल टू पॉइंट दिस आउट, तो मेक नोट ऑफ दिस। एनएसएसओ का जो आपका नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका 59th राउंड का जो सर्वे था, इससे 45.9 मिलियन फार्मर हाउसहोल्ड जो कंट्री में, यानी कि अराउंड 51.4% जो टोटल है आपका 89.3 में से, इनके पास एक्सेस ही नहीं है फॉर एनी फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक है। ओवरऑल जो 73% जो हाउसहोल्ड हैं आपकी, ठीक है, इनके पास कोई क्रेडिट लिंक नहीं है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। माइक्रो फाइनेंस जो है इनकरेज करता है एक्सेस ऑफ एसएचजीज टू बैंक्स बोथ एज अ मींस ऑफ सेविंग और लोन सर्विसेज। सेविंग कैसे, आप बैंक में अपना पैसा जमा करते रहिए, लोन मतलब आप बैंक से लोन ले सकते हैं, ये कैसे होता है माइक्रो फाइनेंस के थ्रू, ठीक है। बोरोवर्स जो है दीज आर एबल टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज, जैसे आपके मनी लेंडर वगैरह होते हैं, ठीक है, एंड अ सर्टेन डिग्री ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स एसएचजीज, ठीक है, विच कैन वर्क टुवर्ड्स परमानेंट और इफेक्टिव इंक्लूजन ऑफ दीज बोरोवर्स इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जाए तो एसएचजी का क्या रोल होता है इसमें, एसएचजी जो है क्योंकि इनकी सेविंग्स बढ़ गई हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है, इसलिए दे कैन स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन दैन नॉन क्लाइंट हाउसहोल्ड्स। फैमिलीज जो पार्टिसिपेट करती हैं एसएचजी प्रोग्राम में, दे हैव रिपोर्टेड बेटर स्कूल अटेंडेंस एंड लोअर ड्रॉप आउट रेट्स, यानी कि इनके बच्चे जो हैं ये ज़्यादा स्कूल अटेंड कर रहे हैं, साथ ही में इनके बच्चे ड्रॉप आउट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं। द फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है एसएचजीज को मिला है, ठीक है, बाय जो लोगों को मिला है बाय पार्टिसिपेटिंग इन टू एसएचजीज, इसके वजह से चाइल्ड मोर्टैलिटी यानी कि जो बच्चे की मृत्यु हो जाती है वो घट गई है। मेटर्नल हेल्थ, मेटर्नल मतलब क्या होता है, माँ का जो स्वास्थ्य है वो भी इम्प्रूव हुआ है, और जो गरीब हैं उनकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ गई है। साथ ही में आपका न्यूट्रिशन बढ़ा है, हाउसिंग भी अच्छी हुई है, हेल्थ भी जो है इम्प्रूव हुआ है, खासकर औरतों और बच्चों का। एसएचजी में मोस्टली आपकी महिलाएं ही ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावर, नारी सशक्तिकरण कैसे हुआ है, इससे औरतों महिलाओं का नारी सशक्तिकरण हुआ है क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अपने हाउस होल्ड इनकम में जो है वो बढ़ गया है, इसके वजह से इनकी जो एसेट्स हैं वो भी बढ़ गई हैं और इनको बेटर कंट्रोल दिया है डिसीजन के ऊपर। पहले क्या होता था, इन जनरल क्या देखा जाता है कि वुमेन जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं फाइनेंस के लिए किस पे, जो घर में मर्द हैं, है ना, यानी कि जो मेल्स हैं आपके उन पे डिपेंड करती हैं, लेकिन बाय पार्टिसिपेटिंग इन टू एसएचजीज, अब क्योंकि क्या था, पहले इनका कोई इकोनॉमिक इनकम का सोर्स नहीं था, ये इनके पास क्या था, जो ये स्त्री धन लेके आती थी पहले शादी के बाद उतना ही होता था इनके पास, बाकी कुछ भी इनको पैसा चाहिए तो ये लोग घर पे बाकी जो आपके मेल फैमिली मेंबर्स हैं उन पर डिपेंड करती थी। लेकिन जब से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनका क्या है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जो इनकम कंट्रीब्यूशन है फैमिली में वो चीज़ बढ़ गई है, जिसके वजह से क्या है, इन ये एक तरह से बराबर की फुटिंग पे आ गई हैं विद द मेल मेंबर्स इन द फैमिली, और ये बेटर पार्टिसिपेट कर सकती हैं इन द फैमिली डिसीजन मेकिंग। इसके वजह से डिसीजन मेकिंग में इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है, इनका जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन का अवेयरनेस है यानी कि जागरूकता है वो भी बढ़ी है, साथ ही में दे आर एबल इंक्रीज एक्सेस टू सच ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड मैरिज इवेंट्स। फैमिली के अंदर भी इनका रिस्पेक्ट और जो स्टेटस है वो भी इम्प्रूव हो चुका है, बच्चों का एजुकेशन इम्प्रूव हुआ है, ये काफ़ी बड़ी बात है, साथ ही में जो गर्ल का एजुकेशन है ये जो पहले काफ़ी कम होता था, लेकिन एसएचजी मेंबर्स जो हैं ये अपने बच्चों को, साथ ही में जो बेटियां हैं उनको भी स्कूलों में भेज रही हैं, ठीक है, तो इससे महिला का सशक्तिकरण काफ़ी हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एसएचजी कितनी हेल्पफुल हैं आपके सोसाइटी को, रूरल खासकर जो सोसाइटी है उसको ओवरऑल अपलिफ्ट करने के लिए। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं और रिकमेंडेशन क्या क्या है इसको इम्प्रूव करने का, पॉलिटिसाइजेशन जो हो जाता है,
स्ट्रेंथ जो है इसका ये डिपेंड करता है ऑन सॉलिडारिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी कैरेक्टर। सॉलिडारिटी मतलब जो एकत्र की जो भावना होती है कि हम इकट्ठा एक ही हैं, ठीक है ना, सॉलिडारिटी, ठीक है, एंड एन एबिलिटी टू सर्वाइव विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट। लेकिन जो इसका डिपेंडेंट कैरेक्टर है इसकी वजह से जो इसकी एफिशिएंसी है वो घट गई है। बैंक क्रेडिट को मोबिलाइज करना ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो सेंटर और स्टेट पे हैं ये अपना एलोकेशन एसएचजी को नहीं बढ़ा पाई हैं। एसएचजी जो है दे आर डेवलप्ड इन रूरल एरिया ओनली, ये अर्बन एरियाज में नहीं आ पाई हैं। 2011 का सेंसस देखा जाए तो 314.54 मिलियन पर्सन, मिलियन याद रखिएगा हमेशा, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख्स, तो यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 314 मिलियन दिया है इसका मतलब कितना हो गया, 3140 लाख, ठीक है, तो ये 3140 लाख हो गया, यानी कि 314 जो है, सॉरी 31 करोड़, ठीक है, 31 करोड़ हो गया यहाँ पे, इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे 10 लाख से, ठीक है, तो इतना हो गया आपका। तो यानी कि 31 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने अपना रेसिडेंस जो है चेंज किया है विद इन द कंट्री, इसमें से 29.9 मिलियन आपके जो, यानी कि 9% जो है इन्होंने अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी कि जहाँ रहते थे वो चेंज किया है। दिस क्लास ऑफ पीपल डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। एरिया कवरेज जो है एसएचजीज का वो काफ़ी कम है। लार्ज नंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में, जैसे बिहार आपका, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, इनके पास एडिक्वेट एक्सेस नहीं है फॉर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब नबार्ड जो है इसका जो प्रेजेंस है दिस शुड बी मोर प्रोनाउंस्ड इन सच प्लेसेस, ठीक है। अब जब इनके पास फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट नहीं होती हैं तो एक्सपेंशन एसएचजी का नहीं हो पाता है, इसलिए इसको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। तो नबार्ड इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। ये नबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वर्किंग एटीट्यूड जो स्टाफ का है, स्पेशल स्टेप जो लिए जाने चाहिए ताकि आपकी जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं जो इन्वॉल्व हैं इन एसएचजीज, इनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके ताकि ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो इनका, और ये जो गरीब और जो मार्जिनलाइज हैं, ठीक है, इनको ट्रीट करें एज वायबल एंड रिस्पॉन्सिबल कस्टमर्स एंड एज पॉसिबल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप करने की जरूरत है जो आपकी स्टाफ है। वे फॉरवर्ड देखा जाए तो अगर समराइज किया जाए तो एसएचजी जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पुअर पॉपुलेशन ऑफ विलेज एरियाज एंड मार्जिनलाइज ताकि ये ज्वाइन कर सकें टू सॉल्व दैट पर्सनल प्रॉब्लम। एसएचजी मेथड जो है ये गवर्नमेंट द्वारा इस्तेमाल होता है, एनजीओस द्वारा एंड अदर्स एट द ग्लोबल स्केल। इंडिया में देखा जाए तो एसएचजीज हैव गेन्ड सक्सेस इन ब्रिंगिंग द वुमेन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ डिसीजन मेकिंग। एसएचजी जो है दीज हैव बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वुमेन के वेलफेयर के लिए। फॉर्मेशन ऑफ एसएचजी का इट इज अ फीज फॉर्मेशन ऑफ एसएचजी जो है इट इज अ फीजिबल ऑल्टरनेटिव टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड टू गेट कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, पूरे कम्युनिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एसएचजी जो है इट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकेबल ऑर्गेनाइज सेटअप टू डिसबर्स माइक्रो क्रेडिट टू द रूरल वुमेन एंड उनको इनकरेज करने के लिए ताकि वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज में आ सके। समझ में आया चीज। साथ ही पॉवर्टी घटाती हैं, नारी सशक्तिकरण भी करती हैं, माइक्रो फाइनेंस डेवलप करती हैं, और एसएचजी और जो क्रेडिट मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं ये भी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आई होप आपको ये चीज पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 15वां जो है कि आपको स्टेट करना है बेसिक वैल्यूज जो होती हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी कि लोक सेवा जो है आपके, लोक सेवा के मूल्यों के महत्व पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। सिविल सर्विसेज जो है, सिविल सर्विस मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी आपकी, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है आपके सरकार की असेंशियल पार्ट है, ये गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उसका सपोर्ट करती है इन डेवलपिंग और उनके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में और पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने में, ठीक है। जो आपके IAS, PCS, आपके जो बाकी अधिकारी होती हैं सरकारी, ये सब आपके सिविल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। एज अ सिविल सर्वेंट कैंडिडेट जो हैं इनको मेरिट के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फेयर एंड ओपन कॉम्पिटिशन एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट योर रोल, ठीक है, मतलब वो अपना रोल जो है विद डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू द सिविल सर्विस और उसके कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज क्या क्या हैं, जो मूल्य हैं उसके लोक सेवा के, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी, ठीक है। अब इन सबका हम लोग मीनिंग देखते हैं एक बार। सबसे पहले इंटेग्रिटी है आपका। इंटेग्रिटी मतलब क्या हुआ, अखंडता, अखंडता, ठीक है। यानी कि इंटेग्रिटी क्या है, फंडामेंटल मॉरल कॉन्सेप्ट है सिविल सर्विसेज में। इंपॉर्टेंट बेसिस है एथिकल बिहेवियर और एथिकल कॉम्पिटेंसी का। एसोसिएटेड किससे है ये, विद द वैल्यू ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। इंटेग्रिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। एथिक्स और इंटेग्रिटी जो है क्लोजली रिलेटेड है।
एथिकल पर्सन जो है, जिसके स्ट्रॉन्ग नैतिक मूल्य हैं, इज बाउंड टू बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी. एंड दोज पीपल हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द गवर्नमेंट नो कि इंटेग्रिटी जो है, इट इज़ इवेल्युएटेड ईच ईयर थ्रू द एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट. ये असेसमेंट जो है, इट टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजंस और परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट थ्रू आउट द ईयर. इस इन कंडक्टिंग द इंटरव्यू फॉर टेस्टिंग पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, बोर्ड जो है केयरफुली ऑब्जर्व करता है अप्रोच ऑफ द आंसर ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट वाइल असेसिंग देयर इंटेग्रिटी. ठीक है, इन रिटन एग्जामिनेशन एग्जामिनर विल ऑब्वियसली लुक इनटू मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स, स्पेशली ऑन इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय देम वाइल डीलिंग विद वेरियस ग्लिचेस. इंटीग्रिटी, अखंडता, मतलब जो आपके नैतिक मूल्य हैं उससे आप स्टिक करना और डगमगाना नहीं, चाहे आप मैं आपको या फिर आपको पैसे का लालच दिया जाए या फिर आपको डराया धमकाया जाए, लेकिन आप डगमगाए नहीं अपने नैतिक मूल्य से. समझ रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टी के साथ हैं, अगर आपने कुछ देखा है कि गलत हुआ है और आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप भले ही बिना डरे और बिना पैसे से लालायित होके आप उस चीज़ पे अड़े रहें, ठीक है, अपने सत्य पे. समझ में आया, इस चीज़ को कहा जाता है अखंडता. इम्पार्शलिटी क्या हुआ, आप किसी के प्रति जो है बायस नहीं है. बायस मतलब जैसे अगर आप हिंदू या मुसलमान, ठीक है, आप धर्म के बेसिस पे देख लेते हैं या फिर कास्ट के बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई मुस्लिम ऑफिसर हैं तो, और कोई अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी पकड़ाता है या फिर कोई सिख टेररिस्ट है, सॉरी सिख ऑफिसर है या मुस्लिम ऑफिसर है, ठीक है, माइनॉरिटी धर्म का कोई ऑफिसर है, उसी के धर्म का अगर कोई टेररिस्ट है, सपोज मुस्लिम टेररिस्ट है, इस्लामिक टेररिस्ट या फिर आपका खालिस्तानी टेररिस्ट है, ठीक है, मतलब उस धर्म से पर्टिकुलर टेररिस्ट है, तो अगर ये ऑफिसर है तो ही शुड नॉट बी बायस टूवर्ड्स हिज ओन जो है किन्समैन. ठीक है, मतलब कि उसके ही धर्म का टेररिस्ट आतंकवादी जो है उसी के धर्म का है, इसके प्रति इसके वजह से उसको बायस नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि ही शुड बी फेयर इम्पार्शियल होना चाहिए उसको. ठीक है, इसी टाइप से उसके जो खुद के, अगर मान लीजिए किसी के खुद पॉलिटिकल विचारधारा है, जैसे अगर कोई ऑफिसर है उसके विचारधारा जो है सपोज ही सपोर्टिव ऑफ बीजेपी या फिर उसके एंटी हैं, तो इसके वजह से ही शुड नॉट बी उसके जो खुद के जो डिसीजन मेकिंग है या फिर जो उसकी सर्विस डिलीवरी है वो उसके वजह से इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए. यानी कि अगर मिनिस्टर, ऑफिसर जनरली किसको सर्व करते हैं, मिनिस्टर्स को, अगर मिनिस्टर बीजेपी का है और ऑफिसर जो है इसकी जो खुद की जो पर्सनल पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं दे आर एंटी बीजेपी, तो इसके वजह से जो इसकी वर्किंग है दैट शुड नॉट बी इम्पैक्टेड. इसको कहते हैं इम्पार्शियल. ठीक है, न्यूट्रल रहना एक तरह से. इम्पार्शियल क्या है, इट इज़ अ नॉर्म ऑफ जस्टिस होल्डिंग ए डिसीजन जो है ये ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स पे. तो इम्पार्शियलिटी ऑब्जेक्टिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है. इंस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बायस प्रेजुडिस और प्रेफरिंग द एडवांटेज टू वन पर्सन ओवर अनदर फॉर अनसूटेबल. ऐसी कास्ट आप देख सकते हैं, अगर कोई जैसे आपने देखा होगा यूपी में, ठीक है, जैसे यादव का अभी रिसेंट टाइम्स में जब से पॉलिटिकल पावर वहाँ पे यादव की थी, तो इन जनरल देखा गया था कि यादव फेवर्ड वाइल बींग इंडक्टेड इन टू द सिविल सर्विसेज वगैरह. ठीक है, बाकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह हैं उसमें जब इंडक्ट करते थे तो यादव जो हैं उनको खासकर एक तरह से बेनिफिट दिया गया था कास्ट. तो ये आप देख सकते हैं कास्ट बेसिस का सिस्टम. तो यहाँ पर क्या हुआ, इनको जो है अनड्यू एडवांटेज दे दिया, नॉट बेसिंग इट ऑन मेरिट, लेकिन उनके ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. इम्पार्शलिटी का मतलब क्या है, सिविल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये कैरी आउट अपना कर रहे हैं अपना ऑफिशियल वर्क इंक्लूडिंग फंक्शंस लाइक प्रोक्योरमेंट रिक्रूटमेंट डिलीवरी ऑफ सर्विस, ये पूरा मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, कोई भी इसमें पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, फाउंडिंग एडवाइस एंड डिसीजन ऑन द रिगरस एनालिसिस ऑफ एविडेंस, सिर्फ एविडेंस के तौर पर. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका मान लीजिए आप एक मुस्लिम ऑफिसर हैं, ठीक है, मतलब यू आर एन ऑफिसर हु इज ऑफ मुस्लिम रिलीजन, एंड अगर आप पकड़ते हैं किसी टेररिस्ट को या फिर कोई टेररिस्ट अगर नोटिफाई होता है, ठीक है, हु इज ऑल्सो ऑफ मुस्लिम रिलीजन, तो आपको जज नहीं करना चाहिए कि आपकी जो सरकार है इसने इसको पकड़ा है कि सिर्फ क्योंकि ये एक मुस्लिम है. ठीक है, बल्कि आप जो भी इसके ऊपर केस करेंगे या फिर जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे दैट शुड बी बेस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, सिर्फ और सिर्फ एविडेंस का, उसमें धर्म के बेसिस पे आपकी कोई सब्जेक्टिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए. ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी. अगर हम फैमिली लेवल पे देखें, जैसे अगर आप फादर हैं मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए आप फादर या मदर हैं, ठीक है, कोई भी पेरेंट हैं आप, आपका बेटा कुछ करता है, ठीक है, आपको रिपोर्ट में सुनने में आता है कि आपके बेटे ने मान लीजिए चोरी की है, ठीक है, चोरी की है, ठीक है, चोरी की है, लेकिन आप फादर या मदर हैं, इसके पेरेंट हैं, तो आप इसके प्रति अगर बायस होते हैं कि नहीं मेरा बेटा है, मेरा बेटा ऐसा चोरी चकारी नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता कुछ भी, तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्टिविटी है. समझ में आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे, कि आप पहली बात एविडेंस के तौर पर उसको वेरीफाई करें कि क्या आपके बेटे ने सही में वो चोरी की है कि नहीं की. आप ऑब्जेक्टिव हर एक की बात सुने, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, यानी कि सिर्फ एविडेंस के तौर पर, सिर्फ सबूतों के तौर पर आप डिसाइड करें कि क्या उसने एक्चुअली में चोरी की नहीं की.
इस चीज को कहा जाता है ऑब्जेक्टिविटी। समझ में आ रहा है? सब्जेक्टिविटी मतलब आपके मन में एक पर्सनल इमोशन है कि नहीं मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। इसी टाइप से जैसे धर्म के प्रति होता है, कुछ लोगों का होता है कि नहीं मेरा धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, मेरा धर्म ही है जो है वही सत्य है, अंतिम सत्य वही है। वो चीज़ क्या हो गई? सब्जेक्टिविटी। आप अपने धर्म को एनालाइज ही नहीं करना चाह रहे हैं कि उसमें जो बातें लिखी गई हैं क्या वो सही हैं गलत। जैसे कहा जाता है, कुछ धर्मों में कहा जाता है कि पूरा दुनिया जो है वो 7 सालों में बनाया गया है, ठीक है, सॉरी 7 दिनों में बनाया गया है ना। पहले 6 दिन में आप पूरे दुनिया को बनाया गया और 7वें दिन पे औरत को बनाया गया, ऐसा कुछ कहा जाता है उसमें। लेकिन इस चीज़ को आप ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आपके धर्म में कहा गया है, आपके ग्रंथों में कहा गया है तो इस चीज़ को आपने बस एक्सेप्ट कर लिया। उस चीज़ को कहा जाएगा सब्जेक्टिविटी, कि आप सब्जेक्टिव हैं, आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है अपने खुद के धर्म के प्रति, आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। समझ में आया चीज़? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के तौर पर एक तरह से मान सकते हैं साइंटिफिक। और इम्पार्शियलिटी मतलब क्या है? यहाँ पे कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, आपका डिसीजन जो है वो सिर्फ मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो इम्पार्शियलिटी ऑब्जेक्टिविटी जो है ये काफ़ी क्लोज है, ठीक है। एम्पथी क्या होता है? एम्पथी मतलब किसी और के पोजीशन में आकर खुद को उसकी जो भावनाओं को वो चीज़ समझना, ठीक है। और यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग। एम्पथी इज डिस्क्राइब्ड एज अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स आर फीलिंग, कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड और फील व्हाट अनदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम विद इन द अदर पर्सन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि मान लीजिए आप कोई ऑफिसर हैं, ठीक है, और आपके पास कोई महिला आती है कंप्लेन लेके कि उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप खुद अपने आप को उसके पोजीशन, उस औरत के, उस महिला के पोजीशन में रख के आप सोच पा रहे हैं कि अगर आपके साथ वैसा हो रहा होता तो आपको कैसा फील होता, इस चीज़ को कहा जाता है एम्पथी। समझ में आया? यानी कि अपने आप को उस व्यक्ति के पोजीशन में रख के उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, इस चीज़ को कहा जाता है एम्पथी। समझ में आया? तो यहाँ पर आप बाकी डिटेल जो है पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ओवरऑल शॉर्ट ब्रीफ मीनिंग्स बता दिए हैं। टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, या आप समझते होंगे टॉलरेंस मतलब क्या है, इट्स अ ग्रेट फीचर। टॉलरेंस का मतलब क्या है? इट कंप्राइज ऑफ अलाउिंग पीपल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स रिलीजियस और कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप भले आप मान लीजिए आप कट्टर हिंदू हैं, या फिर जैसे आप कोई भी धर्म का अभी डिस्कशन करते हैं, मान लीजिए आप एक कट्टर हिंदू हैं, ठीक है, आप बिल्कुल भी मांस मीट कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मान लीजिए आप डीएम हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, उनको मीट वीट खाते हैं वो लोग, तो इसके वजह से ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आप कट्टर हिंदू हैं तो आप उनके प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड रखें। उनका अपना धर्म है, दे शुड बी एबल टू प्रैक्टिस वो जिस तरह से वो अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं विदाउट अफेक्टिंग दूसरे धर्मों के फीलिंग्स को, ठीक है। समझ में आया चीज़? तो टॉलरेंस क्या है? ये टीच करता है, इट टीचेस टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट इन सेंसिटिव मैटर्स। तो यहाँ पर ये जो आपके डीएम है साहब हैं, इनको थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखना पड़ेगा अपने ऊपर, भले इनको ये चीज़ ना पसंद हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, खाना पीना जो भी इनका है, लेकिन इनके मन में कोई नेगेटिव भावना नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ही शुड बी टॉलरेंट, सहिष्णुता होनी चाहिए टुवर्ड्स द प्रैक्टिसेस ऑफ दीज मुस्लिम्स एज डिस्कस इन दिस केस। टॉलरेंस सहिष्णुता इज डिफाइंड एज फेयर एंड ऑब्जेक्टिव आउटलुक टुवर्ड्स दोज जिनके लाइफस्टाइल जो है आपसे भिन्न है। कंपैशन मतलब क्या? दया का जो भावना होता है। कंपैशन इज अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स अनदर पर्सन। ये इमोशन है कि पीपल फील इन रिस्पॉन्स टू द सफरिंग ऑफ अदर्स, ठीक है, विच इन टर्न मोटिवेट्स फॉर अ डिजायर टू हेल्प। जैसे बाढ़ आ गई, कुछ लोग डूब गए, या फिर कुछ दंगे फसाद हो गए जहाँ पर किसी के साथ कुछ गलत हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक सहानुभूति की जो भावना आई है और उसके वजह से जो आपकी उनकी मदद करने की जो वो भावना उत्पन्न होती है, उस चीज़ को कहा जाता है कंपैशन, ठीक है। कंपैशन हैज़ द एडेड एलिमेंट ऑफ कंप्राइजिंग अ डिजायर टू एलिविएट और रिड्यूस। यानी कि उसमें एक एडेड एलिमेंट होता है। कंपैशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, देखो इस कंपैशन को यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ही है। कंपैशन जो टर्म है इट इज़ ऑफन कंफ्यूज विद एम्पथी, लेकिन एम्पथी क्या होता है? एम्पथी सिर्फ इमोशन होती है, ठीक है। देखिए आपके एथिक्स में ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यानी कि फ़र्क बताइए बिटवीन कंपैशन एंड एम्पथी। तो आपको ये सब जो डेफिनेशन हैं ये क्लियर होने चाहिए। ये जो हम लोग वैल्यूज डिस्कस किए हैं दिस शुड बी परफेक्टली क्लियर कि एक्चुअली ये मतलब क्या होता है इनका, ठीक है। इसलिए आप एक बार डिटेल में पढ़िएगा, आपको ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म्स पूछे जा सकते हैं कि कंपैशन और एम्पथी में क्या फ़र्क है, तो आप वहाँ पर एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे अनटिल एंड अनलेस यू नो द डिफरेंस। एम्पथी क्या है? एम्पथी इज ओनली द इमोशन कि आपको फीलिंग है उसके लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, वो फीलिंग आई है आपको। लेकिन कंपैशन में क्या है? ये फीलिंग आई है आपको, एम्पथी वाली फीलिंग आई है, लेकिन साथ ही साथ एक और डिज़ायर आया है, एक और इच्छा हुई है कि उसके साथ जो सफरिंग हुई है उसको एलिविएट या रिड्यूस यानी कि कम किया जा सके। समझ में आया चीज़? कोई गरीब है तो आपको उस गरीब के प्रति सहानुभूति काफ़ी ज़्यादा है कि वो गरीब पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, लेकिन कंपैशन में साथ ही साथ में क्या है, आप उसकी किसी तरह से मदद भी करेंगे। समझ में आया कि वो गरीब जो है किसी तरह से स्कूल जा सके,
या फिर अगर उसके बाद बेसिक हेल्थ नहीं है, उसका हेल्थ खराब है, तो आप उसको हॉस्पिटल में दाखिला करवाएं। इसको कहा जाता है कंपैशन। तो ये भी एक इसके साथ एडेड डिजायर है। एम्पैथी में क्या है, सिर्फ आपको उस गरीब के प्रति सहानुभूति महसूस हुई है। समझ में आया? कंक्लूजन में देखा जाए तो टुडे जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, इट इज फेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एथिकल इशूज एंड मोस्ट ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट इज नेसेसरी कि ये जो वैल्यूज हमने डिस्कस किए हैं, जो 6 वैल्यूज, दी शुड बी मेंटेन बाय अ सिविल सर्वेंट। समझ में आया चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाउ हैज आरटीआई इमर्ज टू बी अ स्ट्रॉन्ग पावर इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन पीपल? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ दीज सक्सेस स्टोरीज। तो आरटीआई एक पावरफुल टूल कैसे इमर्ज हुआ है इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल? इनका एग्जाम्पल देना है अलॉन्ग विद सर्टन सक्सेस स्टोरीज। समझ में आया? इसका आंसर देखते हैं। इंडिया, देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये क्या इंश्योर करता है कि जो लोग हैं, वी दैट द पीपल वी पुट इन पावर रिमेन आंसरेबल टू अस। ठीक है, यानी कि वो हमेशा जवाब दे ही रहे हैं। एंड बाई नो मीन्स कैन दे यूज पब्लिक फंड्स आर्बिट्रली, बिकॉज पब्लिक फंड्स मोस्टली कहाँ से आती हैं? टैक्सेशन, राइट? मोस्टली जो आपकी गवर्नमेंट की रिसोर्स है, दैट इज जनरेटेड फ्रॉम टैक्सेस। और भी सोर्सेज हैं आपके फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन बेसिक जो सोर्स है आपका कहाँ है? टैक्स। तो उस लिए जो हम लोग पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करके पावर देते हैं, वो किसी भी तरीके से हमारे जो पब्लिक फंड्स हैं, जो हमारा खुद का फंड है, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेशन, जो आरटीआई है आपका, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेशन इन द हैंड ऑफ द पीपल, आम आदमी के हाथ में, जो एम्पावर करता है कि वो गवर्नमेंट से कभी भी इंफॉर्मेशन ले सकता है किसी भी मामले में। ठीक है, इस पर कुछ एक्सेप्शन हैं, वो आपको जानना जरूरी है। आरटीआई पावरफुल टूल है, ये डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र को स्ट्रेंथन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रजा को ताकत दी जा रही है। डेमोक्रेसी मतलब क्या? रूल ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे जब आप आरटीआई ला रहे हैं, आप जनता को जो है, आम जनता, उसको आप ताकत दे रहे हैं, तो बेसिकली आप प्रजातंत्र को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। प्रमोट्स गुड गवर्नेंस बाय एनहांसिंग सिटीजन्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब बॉडी देखते हैं। दिस एक्ट जो है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया? आपके एनजीओस हो गए, ह्यूमन राइट ग्रुप्स एक्सेट्रा, एंड द मीडिया, टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मीडिया, ताकि पॉजिटिव चेंज लाया जा सके इन द लेवल्स ऑफ करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव्स हो गए, पेंशन हो गया, रोड रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, इसमें काफ़ी जो कंप्लेंट्स हुई हैं उसको लोगों ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया है थ्रू द यूज ऑफ आरटीआई। मेनी ऑनेस्ट ऑफिसर्स ऑल्सो फील स्ट्रेंथेंड एज डिसीजंस आर नाउ ओपन टू सिविल सोसाइटी एंड मीडिया स्क्रूटनी, जिसके वजह से जो एक्सटेरेनियस प्रेशर है, ठीक है, मतलब पॉलिटिशियन आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकता कोई, अगर ईमानदार ऑफिसर है उसके ऊपर, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन है आम आदमी के लिए भी, और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए भी। समझ में आया? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऐसा क्या रहा है? एम्पावरिंग द सिटीजन्स एंड मेकिंग द गवर्नमेंट्स मोर रिस्पॉन्सिव। समझ में आया? यानी कि अगर आपको कहीं भी संदेह होता है किसी चीज़ पे कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर इतना एक्सपेंडिचर खर्चा कैसे हो गया इस पे, तो आरटीआई के माध्यम से वहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसकी वजह से क्या है? सरकार आपके प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई है। शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ को ऑप्शन, मेक्स द सीकर ऑफ इन्फॉर्मेशन अ पार्टनर इन द डिसीजन मेकिंग। समझ में आया चीज? इट हैज क्रेप्ट इनटू पॉपुलर वोकैबुलरी एंड एडेड अ वर्ब टू इट, आई विल आरटीआई इफ सो इज नॉट डन। मतलब आरटीआई एक तरह से वर्ब बन गया। वर्ब मतलब समझते हैं एक्शन को जो डिनोट करता है। एडवाइज मेयर थ्रेड ऑफ आरटीआई जो है सफिशियंट है फॉर सेटिंग द गवर्नमेंट मशीनरी इन मोशन। मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आरटीआई ने कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण अपना स्थान ले लिया है आज के समाज में, भारत के समाज में। मेन थ्रस्ट आरटीआई का क्या है? टू चेंज द कल्चर ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, ब्रिटिश के टाइम से हमारे गवर्नमेंट में जो है, अनटिल द एडवेंट ऑफ आरटीआई, हमारे में गवर्नमेंट में एक कल्चर ऑफ सीक्रेसी रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता था भाई गवर्नमेंट के अंदर हो क्या रहा है, सीक्रेसी रहती थी। लेकिन आरटीआई के बाद ये जो है गवर्नमेंट काफ़ी ओपन हुई। ओपननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। रेड टेपिज्म जो है ये खत्म हुआ। रेड टेपिज्म मतलब क्या होता है? जो फाइलें होती हैं, सरकारी फाइलें, इसके ऊपर जो है आप देखा होगा ये टेप लगी होती थी पहले लाल रंग की, है ना, इसके वजह से ये शब्द आया है रेड टेपिज्म। ये क्या सिग्निफाई करता है? रेड टेपिज्म जो है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ये सिग्निफाई करता है द स्लो मूवमेंट ऑफ फाइल्स इन अ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इन अ ब्यूरोक्रेसी यानी कि कोई भी चीज़ जो है आपकी, कोई भी केस है, वो काफ़ी धीरे धीरे काम करती है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो स्लो तरीके से काम करती है, उस चीज़ को सिग्निफाई करता है आपका रेड टेपिज्म। एंड अलूफनेस दैट इज लॉन्ग प्लेग्ड इंडियाज मोनोलिथिक एंड ओपेक ब्यूरोक्रेसी। ठीक है,
आरटीआई जो है इट इज सिंबल ऑफ सिंबल फॉर कॉम्पोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस. कॉम्पोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस जो है दीज कैन बी इंश्योर थ्रू आरटीआई. इट इज हेल्पफुल इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इट इंडिकेट्स दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स मेड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ करप्शन इन द वेजेस सिस्टम इन द. यहाँ पे हिस्ट्री दी जा रही है फॉर द स्ट्रगल फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन. ये इतनी जल्दी एक्ट नहीं बना था, इसके लिए काफी स्ट्रगल हुआ था. This effort was started by Mazdoor Kisan Shakti Sangathan MKSS to tackle corruption at the grassroots level. As a result, many state bill had passed right to information. और 2005 में central government ने एक landmark act pass किया, right to information act 2005. इसके objective क्या क्या थे? Greater transparency होनी चाहिए, accountability और performance government की बढ़नी चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, करप्शन भ्रष्टाचार जो है ये घटना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में. और इसकी सक्सेस स्टोरी देखी जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए आपके जो जनरल स्टडीज़ के आंसर्स हैं प्लस आपका जो निबंध होता है इसमें अगर आप इस प्रकार से केस स्टडीज मेंशन करेंगे तो इससे क्या है आपके आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये सब केस स्टडीज़ का आपके पास नोट्स होना चाहिए. अब कुछ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं. आरटीआई एप्लीकेशन बाय एक्टिविस्ट योग आचार्य आनंद जी एंड सिमप्रीत सिंह 2008 में इसने एक्सपोज किया था द इनफेमस आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, जिसके वजह से उस समय जो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर थे अशोक चव्हाण इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था. आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल हुआ था टू एक्सपोज द करप्शन आफ्टर द कॉमनवेल्थ गेम स्कैम ऑल्सो. ठीक है, जो कॉमनवेल्थ गेम आपके 2012 में हुए थे, ठीक है, उस पर स्कैम जो हुआ था वो उसको एक्सपोज करने में भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा था आरटीआई का, जिसके वजह से सुरेश कलमाड़ी जो करप्ट डील की गई थी सुरेश कलमाड़ी द्वारा जो पॉलिटिशियन थे वो उभर के सामने आई. 2 जुलाई 2016 में आरटीआई क्वेरी फाइल की गई थी जिसमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दैट ओनली 12 मेंबर्स ऑफ महाराष्ट्र कैबिनेट जो हैं उन्होंने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज डिक्लेयर किए हैं एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स. 2017 में के एस सगरिया एक रेसिडेंट थे कुशमल विलेज के रूरल उड़ीसा में, जिन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की थी टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ पॉन्ड्स जो तालाब जो है कंस्ट्रक्ट किए गए हैं इन हिज विलेज अंडर द गवर्नमेंट्स नेशनल वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम. ठीक है, इन्फॉर्मेशन ही रिसीव्ड वाज रिवीलिंग पॉन्ड जो है वो कभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुए थे, इवन दो मनी जो है एलोकेट हुआ था और खर्च भी हो गया था. समझ में आया चीज? जैसे मनरेगा होता है उसमें क्या होता है, आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, तो ये जो आपके के एस सागरिया हैं जो कुशमल विलेज के थे इन्होंने आरटीआई फाइल किया ये पूछने के लिए कितने पॉइंट जो हैं बनाए गए हैं एक्चुअली जो आपको पैसा दिया गया था इस स्कीम के द्वारा. तो इसमें आपको आरटीआई में क्या पता चला कि वहाँ पे कोई पॉइंट बना ही नहीं है, भले ही उसके लिए पैसा एलोकेट भी हुआ था यानी कि आवंटन भी हुआ था पैसे का और उस पर खर्चा भी हुआ था, तब भी कोई पॉइंट का बनाया नहीं गया. तो फॉलोइंग कंप्लेंट फ्रॉम विलेजर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फोर्स टू टेक एक्शन एंड सस्पेंड द ऑफिशियल जो पॉइंट स्कैम में इन्वॉल्व थे. तो इस साइड से आपके जो भ्रष्टाचार होती है आपकी गवर्नमेंट में वो उभर के आता है. इसके वजह से क्या है, लोग जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और भ्रष्टाचार जो है घटा है. इसलिए आरटीआई जो है काफी पावरफुल टूल है. ये सब आपके आम जो है जनता थी प्लस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थे. ठीक है, तो इनके हाथ में पावर आई है थ्रू आरटीआई. इसके वजह से प्रजातंत्र जो है वो बढ़ा है, गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन जो है ये एनहांस हुआ है. समझ में आया चीज? तो ये आपकी आरटीआई के बारे में था. आरटीआई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एंटायर जनरल स्टडीज. ठीक है ना, पेपर टू में. अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं. डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा. इंडियन डायस्पोरा मतलब क्या है, जो भारतीय प्रवासी हैं उनका क्या रोल है भारत की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में, इसको आप डिस्कस करना है. अब देखिए जो प्रवासी होते हैं दे हैव इमर्ज्ड एज अ पावरफुल एंटिटी क्योंकि ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एज सॉफ्ट पावर इन द रियलम ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड दे ऑल्सो एक्ट एज एजेंट और कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज ऑफ ऑरिजिन बिसाइड्स देयर एक्टिव रोल इन द होस्ट कंट्रीज. समझ में आया चीज? यानी कि पहली बात तो ये फॉरेन पॉलिसी जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का हम लोग देख रहे हैं उस रेलम में ये सॉफ्ट पावर की तरह काम करते हैं. ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है, सॉफ्ट पावर. हार्ड पावर क्या होता है? हार्ड पावर इज वॉर. ठीक है, और सॉफ्ट पावर क्या होता है? कल्चर, साइंस, नॉलेज, इसको कहा जाता है बिजनेस, इसको कहा जाता है सॉफ्ट पावर. तो इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है. साथ ही में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपका जो कंट्री ऑरिजिन यानी कि अगर भारतीय प्रवासी आपका अमेरिका में रह रहा है तो हमारे इंडिया का भी उसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. ठीक है, और साथ ही में जो होस्ट कंट्री यानी कि जो अमेरिका है जहाँ पर भारतीय प्रवासी रह रहा है उसका भी ये लोग एक्टिव डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो इकोनॉमी का देखा जाए तो चाइनीज डायस्पोरा जो है, चाइनीज डायस्पोरा मतलब क्या हुआ,
जो चाइनीज ओरिजिन के हैं और जो चाइना के बाहर रह रहे हैं, जैसे अमेरिका में अगर चाइनीज रह रहे हैं तो वहां के वो चाइनीज डायस्पोरा हुए, तो इनके वजह से जो है चाइना जो है एक तरह से इकोनॉमिक सुपर पावर इमर्ज हुआ है। पॉलिटिकल स्पीयर में देखा जाए तो जूश डायस्पोरा, जूश क्या होता है, जू जो है आपके यहूदी, तो जूश डायस्पोरा जो है इसका यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग पकड़ है, जिसके वजह से इन दोनों का, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन का इसराइल के साथ काफ़ी बड़ा और सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। अगर आप देखें तो आपका जो वेस्ट एशिया है, ठीक है, वेस्ट एशिया में आपका जो इसराइल है एक बहुत छोटा सा कंट्री है। अगर आप मैप जाके देखिए इस चीज़ को, इसराइल आपका एक बहुत छोटा सा कंट्री है, ठीक है, और ये सराउंडेड है बाय अरब स्टेट्स। अरब अरब मतलब जो आपके मुस्लिम देश है, वहाँ पे अरब देशों से घिरा हुआ है आपका इसराइल, बहुत छोटा सा कंट्री है और काफ़ी बार इसराइल पे अटैक हो चुका है, और काफ़ी जो आपके सराउंडिंग जो अरब कंट्रीज़ हैं इन्होंने धमकी भी दिया है कि इसराइल को वो लोग नेस्तनबूत कर देंगे, नेस्तनबूत मतलब ख़त्म कर देंगे नक्शे से ही, ठीक है। लेकिन इसराइल तब भी स्ट्रांगली वहाँ पर कैसे खड़ा है, क्योंकि इसको पूरा सपोर्ट है यूएसए का प्लस यूरोपियन यूनियन का, यूनियन की जो यूरोपियन पावर्स है, क्यों कि जो जूश डायस्पोरा है, इसराइल क्या है, इसराइल इज होमलैंड फॉर ज्यूज, यहाँ पे जेरूसलम है, और यहूदियों को देखिए तो आप जो इब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इब्राहमिक रिलीजन्स, ठीक है, ये इसमें आपके तीन धर्म आते हैं, जूडियज़म, ठीक है, और आप जूडियज़म मतलब जो ज्यूज़ का धर्म है, इसके बाद आता है आपका क्रिश्चियनिटी यानी कि क्राइस्ट, जो क्रिश्चियंस हैं इनका धर्म, उसके बाद आता है आपका इस्लाम, जो आपका इब्राहम जो गॉड है वो आपके इब्राहिम हो जाते हैं इस्लाम में, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या हैं, और जूडियज़म इन तीनों में सबसे पुराना है, ठीक है, और ज्यूज का जो होमलैंड था वो है आपका जेरूसलम, जो कि आपका इसराइल में है, ठीक है, तो ये होमलैंड ऑफ ज्यूज है। अब यहाँ पर यहाँ पे जो पैलेस्टीन था वहीं पे इनका कुछ लैंड कार्व आउट करके इसराइल बनाया गया, ये पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में जा रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ मैं। तो ज्यूज जो हैं, जो आपके इसराइल के हैं, जो बाहर रहते हैं, जो आपके अमेरिका में रहते हैं, यूरोपियन यूनियन में रहते हैं, इनका जो है पकड़ काफ़ी स्ट्रांग है यूएसए और यूरोपियन यूनियन की वजह से, जिसके वजह से यूएसए, यूरोपियन यूनियन और आपके इसराइल के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके वजह से आज भी इसराइल अपने अरब स्टेट्स के बीच में रहने के बावजूद वहाँ पर एक स्ट्रांगली बरकरार है, प्लस इकोनॉमिक पावर भी है वहाँ पर, और डिफेंस में भी आप देखिए काफ़ी उसके टेक्नोलॉजिकली वो लोग स्ट्रांग हैं। इस तरीके से जो डायस्पोरा यानी कि जो प्रवासी होते हैं, दे आर बीइंग ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल मतलब ट्रांसनेशनल कम्युनिटी मतलब अलग अलग नेशन के हैं, ठीक है, दे हैव बिकम इंपॉर्टेंट नॉन स्टेट एक्टर्स एज वेल एज डिसाइडिंग फैक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारतीय प्रवासियों को देखा जाए तो दे प्ले दे एक्ट एज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लोबल डायस्पोरास, इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द कॉनकॉमिटेंट डेवलपमेंट्स दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड अबव। इंक्रीजिंगली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, एंड दे हैव इन्वॉल्व एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर इंडिया रीसेंट डिकेड्स में। कंसिडरिंग इंडिया का जो डायस्पोरा का साइज है, इट इज एप्टली मेंशनड इन द हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट ऑन इंडियन डायस्पोरा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि द सन नेवर सेट्स इन द इंडियन डायस्पोरा। इट इज रिकग्नाइज कि देर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ डायस्पोरा पॉलिसी एंड फॉरन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री ड्यू टू द एम्बेडेड रोल ऑफ डायस्पोरा इन द फॉरन अफेयर्स। अब बॉडी पे आते हैं हम लोग, प्री इंडिपेंडेंस एरा के पहले, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है जो आपके प्री जो आपके इंडिया की जो डायस्पोरा क्या रोल रहा है इन फॉरेन पॉलिसी थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, थ्रू आउट मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज़ादी के पहले देखा जाए तो फोकस जो था फॉरेन पॉलिसी का, ये ब्रिटिश इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता था, यानी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी यानी कि दूसरे देशों के साथ क्या पॉलिसी होगी वो इस तरीके से बिछाई जाती थी जिसमें ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनका फायदा हो सके। आज़ादी के पहले की बात हो रही है तो इंडियन गवर्नमेंट ने तब भी जो है इंटरेस्ट लिया था इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग वेरियस कंसर्न ऑफ इंडियन एक्सपैट्रिएट्स, यानी कि इंडियन एक्सपैट्रिएट्स मतलब जो इंडिया से बाहर गए थे, जैसे अफ्रीका वगैरह में जहाँ पे काम कर रहे थे हमारे जो गुजराती लेबरर्स वगैरह थे एटसेट्रा, ठीक है, एज दे वर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ओनली लिविंग एल्सवेयर इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, और इंडियन पॉलिटिकल एलीट्स ने भी सॉलिडारिटी दिखाई थी और कंसर्न शेयर किया था विद इंडियन एक्सपैट्रिएट्स थ्रू डेप्यूटेशन बाय द कांग्रेस डेलीगेट्स। इनफैक्ट जो प्लाइट था ऑफ इंडियंस अब्रॉड जो इट वॉज अ मेजर इशू फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट लेड बाय इंटरनेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, यहाँ पर एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इस पर ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगे। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, आज़ादी की बात पे हम लोग आ गए हैं, इन्होंने कैटेगरी अनाउंस किया था कि जो एथनिक इंडियंस हैं हु चूज टू रिमेन अब्रॉड वुड कंसिडर देमसेल्व्स अ सिटीजन्स और नेशनल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव होस्ट लैंड्स, ठीक है, इनफैक्ट दे वर एनकरेज टू इंटीग्रेट विद द होस्ट कल्चर एंड फाइट फॉर द लिबरेशन ऑफ देयर अडॉप्टेड लैंड्स। समझ में आया ये चीज़, यानी कि जैसे देखिए उस समय ब्रिटिशर्स जो हैं काफ़ी सारे इंडियंस को अफ्रीका वगैरह में लेके गए थे टू वर्क एज लेबरर्स, ठीक है, जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था तो जो इंडियंस आपके अफ्रीका वगैरह में बेस थे और उन्होंने चूज़ किया कि आज़ादी के बाद भी वहीं रहेंगे, तो नेहरू जो थे आपके जो पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा
कि आप जिस देश में रहें वहाँ के आप कल्चर के साथ मिंगल अप हो जाइए और उस देश की आज़ादी के लिए आप लड़ते रहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है, जिसके भी अंडर वो कंट्री हो, देश हो, समझ में आया चीज़। तो ये चीज़ के लिए नेहरू ने कॉल किया था और इनफैक्ट दे वर इनकरेज आफ्टर लाल नेहरू के जो सक्सेसर थे, जो दूसरे प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, दे एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद श्री मावो भंडारा नाइके टू रिजॉल्व द क्वेश्चन ऑफ तमिल्स एंड श्रीलंका। श्रीलंका में हमारे तमिल एक्सपैट्रिएट्स रहे हैं जहाँ पे अंग्रेज उनको लेके गए थे टू वर्क एज लेबरर्स। अदरवाइज जो नेहरूवियन ट्रेंड है इट वॉज कंटिन्यूड एंड एक्सटेंडेड टू 1980 बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। समझ में आया, ठीक है। लेटर जो है बाद में इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है चेंज फ्रॉम नेहरूवियन आइडियलिज्म टू रियलिज्म अंडर द रिजीम ऑफ इंदिरा गांधी, लेकिन जो इंडिया की डायस्पोरा पॉलिसी थी वो कभी चेंज नहीं हुई, ठीक है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी ने कहा था शी मेड हरसेल्फ पर्टिकुलरली अनपॉपुलर ड्यूरिंग द ईस्ट अफ्रीकन इंडियन क्राइसिस ऑफ 1968 टू 1972। हाउएवर ओइंग टू ऑयल शॉक्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस गवर्नमेंट पुश्ड फॉर अ रेमिटेंस सेंट्रिक अप्रोच especially for the Gulf Indians. Later, when there was a switch of foreign policy priorities from realism to inter-third world cooperation under the regime of Rajiv Gandhi, a slight shift third diaspora policy mein. He offered amicable support and tried to handle the Fiji-Indian crisis in 1986, which had strained our relationship with Fiji. Besides having realized the Indian diaspora as a strategic, he invited Indian diasporic talent, jaise Sam Pitroda the, to realize his vision of 21st century India and took administrative measures like establishment of Indian Overseas Affairs Department. समझ में आया। तो ये आपके यहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री टेस्ट ये है, काइंडली गो थ्रू इट। हम लोग मोस्टली करंट का इंपैक्ट देखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसके थ्रू गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। वी कम टू व्हाट इज द करंट इंपैक्ट। अगर करंट इंपैक्ट देखा जाए डायस्पोरा का, तो डायस्पोरा और सिक्योरिटी के ऊपर इंप्लीकेशन देखते हैं। डायस्पोरा ग्रुप्स जो हैं ये फंड कर सकती हैं सब नेशनलिस्ट और एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ा थ्रेट पोज करती है, जैसे ठीक है, और विच चैलेंजेस द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन स्टेट। जैसे कि क्या, ठीक है, जो आपके सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं जैसे कश्मीरी खालिस्तानी जो LTT हैं, जिनको इंडिया में आप रहने नहीं दिया जाता है, मान लीजिए उनको टेररिस्ट वाला डिक्लेयर कर दिया है, तो ये लोग क्या है बाहर जाके, जैसे खालिस्तानी आप टेररिस्ट देखेंगे कनाडा में बेस्ड हैं, यूके में बेस्ड हैं, बट ये लोग अभी भी जो हैं ये फंड करते रहते हैं इंडिया में जो खालिस्तान मूवमेंट्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो आपका यहाँ पर दिया है, जो कनिष्क सबसे पहला जो एयरप्लेन अटैक किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे, वो किसने किया था, कनेडियन सिख डायस्पोरा ने करवाया था। ये देखिए दिया गया है कनिष्क एयर क्रैश, इसके बारे में आप जाके एक बार इंटरनेट पे पढ़िएगा। ये एयर क्रैश करवाया था कनेडियन जो कनाडा में सिख जो रहते हैं आपके डायस्पोरा, समझ में आ रहा है। इस टाइप से लोग इंडिया की सिक्योरिटी को भी एक काफ़ी बड़ा थ्रेट पोज करते हैं। ऐसे आप LTT का जो देख सकते हैं जिसने तमिलनाडु और श्रीलंका में काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले किया था आपके, ठीक है। ये क्या है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स LM, ठीक है, LTT प्रभाकरण आपने सुना होगा, ऐसे कश्मीर का भी है, ठीक है। अब डायस्पोरा और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन समझ में आया जी, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, जो इंडिया की डायस्पोरा है जो इन पर्टिकुलर जैसे तमिल्स हो गए जो फॉरन में रह रहे हैं, जिनको इंडिया में रहने के लिए मनाही है, ये फॉरन जाके हमारे इन लोगों को फंड करते रहता है इन आतंकवादी संगठनों को, समझ में आया जी। तो ये इस तरह से सिक्योरिटी का थ्रेट है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखें, डायस्पोरा का फाइनेंस जो है ये किस फॉर्म में है, रेमिटेंस के फॉर्म में है। रेमिटेंस मतलब जो पैसा लोग वापस भेजते हैं अपने परिवार वगैरह को, जैसे आपका कोई इंडियन अगर गल्फ कंट्री में काम कर रहा है दुबई वगैरह में, वो वापस वहाँ जितना कमाई कर रहा है उससे कुछ पैसा जो है अपने परिवार को भारत में भेजता है, उसको कहते हैं हम लोग रेमिटेंस। एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके वजह से इन्वेस्टमेंट मतलब कोई अगर फॉरन इंडिया का जो प्रवासी है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है, इसके वजह से इंडिया जो है फॉरेन रिजर्व क्राइसिस से उभर के आया था एंड इट फ्यूल्ड द इंडिया का ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग फॉरेन रेमिटेंस रिसेंटली। इंडियन डायस्पोरा मीडिएटर की तरह भी आ करता है, फैसिलिटेटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉर इन्वेस्टमेंट गिवन द हाई प्रोफाइल ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोक्रेट्स एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। समझ में आया, सिलिकन वैली में मोस्टली इंडियंस है। सिलिकन वैली कहाँ पे है आपका, USA में, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा जो है स्ट्रेटेजिक एसेट, 20 मिलियन डाइवर्स इंडियन डायस्पोरा जो है दे हैव एनरिच्ड देयर प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। दो दे आर हेट्रोजेनस ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेशन, दे आर आइडेंटिफाइड एंड हेल्ड टुगेदर बाय इंडियननेस एंड अ डीप कल्चरल एंड इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स मदर इंडिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। दे आर इंडीड अ टूल फॉर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी फॉर इट्स रिटेंशन ऑफ कल्चरल रिचनेस ऑफ इंडिया। इन्होंने ब्रिज की तरह एक्ट किया है, मीडिएटर्स फैसिलिटेटर्स लॉबी एंड एडवोकेसी ग्रुप्स फॉर टेकिंग प्राइमेसी ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वन कैन आर्ग्यू वे फॉरवर्ड देखा जाए, वन कैन आर्ग्यू कि जो डायस्पोरा पॉलिसी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी है दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू। आई डिस्कस अबव, ये प्रोडक्टिव भी है काउंटर प्रोडक्टिव भी है। इंडिया इज येट टू यूटिलाइज काउंटर प्रोडक्टिव, जैसे आपका सिक्योरिटी वाला, ठीक है ना। इंडिया अभी भी इट इज येट टू यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द डोमेन ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फॉर इंस्टेंस इंडिया हैज बीन डिमांडिंग फॉर अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
लेकिन अभी तक रियलाइज नहीं कर पाए। इंडिया की डायस्पोरा जो है इट कैन बी यूटिलाइज फॉर अचीविंग द लॉन्ग ड्यू एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, रीसेंट डेकेड्स में चाइना इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड इंडियंस का, इट हैज सीन एन अपसर्ज डिमांड ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड H-1B वीजा फिनोमेना। टैंजिबल एंड स्क्रूपलेस डायस्पोरा पॉलिसी इज इंपेरेटिव टू लेवरेज अपॉन द ग्रोइंग इंडियन डायस्पोरा पॉपुलेशन। अ टैंजिबल एंड स्क्रूपलेस डायस्पोरा पॉलिसी, यानी डायस्पोरा पॉलिसी अभी बनाई जानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के जो डायस्पोरा जो प्रवासी का जो जनसंख्या है काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, विद अ वर्सटाइल रोल ऑफ डायस्पोरा इंडिया कुड फुलफिल इट्स चेरिश ड्रीम ऑफ बींग अ सुपर पावर एंड इट कुड मच मेक मच हेडवे इन द इंटरनेशनल एंड फॉरन अफेयर्स। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉफ्ट पावर इन डिप्लोमेसी। ठीक है, अब सॉफ्ट पावर देखते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था काफी जगह मेंशन था, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट पावर इन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। लेट अस लुक एट द आंसर। इंट्रोडक्शन, सॉफ्ट पावर क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू परसुएड अदर नेशंस ऑफ अ लाइन ऑफ थॉट इन कॉन्सोनेंस विद इट्स गोल्स। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थ्री सोर्सेज, एक कंट्री का कल्चर, उसके पॉलिटिक्स पॉलिटिकल वैल्यूज और उसकी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इसे डिसाइड किया है टू डेवलप अ सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स, ताकि मेजर किया जा सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर आउटरीच एंड एस्टैब्लिश्ड लिंकेजेस विद इंडिया सॉफ्ट पावर एंड टैंजिबल आउटकम। टैंजिबल का मतलब क्या होता है? टैंजिबल मतलब जिसको आप मेजर कर सकें, समझ में आया, जिसको आप टच कर सकते हैं। इनटैंजिबल मतलब जो देखा ही नहीं जा सकता, समझ में आया। आउटकम्स इन द एरिया ऑफ डिप्लोमेसी, बॉडी पे आता है। सॉफ्ट पावर क्या है? इट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट्स के बीच में डिप्लोमेसी होती है, एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफिशियल डिप्लोमेसी एफर्ट्स सच एज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक एड एंड ट्रेड पार्टनरशिप्स इन अफ्रीका। इंक्रीज कल्चरल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सॉफ्ट पावर क्या होता है। सॉफ्ट पावर बेसिकली आप क्या होता है? कल्चरल एक्सचेंजेस। ठीक है, कल्चर हो गया, नॉलेज एक्सचेंज, हमारी आइडियोलॉजी सेम हो, जैसे अगर दोनों देश कम्युनिस्ट हों। ठीक है, कल्चर मतलब कि कल्चरल एक्सचेंज, जैसे अगर दो हिंदू देश हैं, ठीक है, या फिर हिंदू से जो निकले हुए हैं बौद्ध देश हों। ठीक है, हिंदू बौद्ध, ठीक है, इंडिया थाईलैंड हो गया, इंडिया आपका मलेशिया, इंडिया आपका म्यांमार वगैरह हो गया, ये टाइप से। नॉलेज मतलब कि नॉलेज डेवलपमेंट के लिए, या फिर नॉलेज शेयरिंग हो रही है, जैसे मैथ्स के नॉलेज, आपके साइंस की नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, या फिर मेडिसिनल नॉलेज शेयर करना। आइडियोलॉजी दोनों कम्युनिस्ट देश हो गए। ठीक है, अब बॉलीवुड आपका जो है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपके इंडिया के कल्चर को दूर दूर तक फैलाने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है? कल्चर की एक्सेप्टेंस होती है एक तरह से, इसको कहा जाता है सॉफ्ट पावर। ठीक है, इंक्रीज कल्चरल एक्सचेंजेस जो हैं दे आर मोर लाइकली टू इंक्रीज पब्लिक नॉलेज एंड अप्रिसिएशन ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्रीज में। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR जो है नोडल गवर्नमेंट एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन के लिए। अब देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन जो है इट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज इन 2002, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस दौरान, फॉर इंडिया का ब्रांड बिल्डिंग एंड क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी फॉर कंट्री इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन सेटअप किया था टू प्रमोट इंडिया ओवरसीज। एंशियंट मेडिसिन सिस्टम्स एंड योगा हैव आल्सो बिकम इंक्रीजिंग पॉपुलर इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है, इससे क्या हो रहा है? हम लोग बेसिकली हम लोग अपना सॉफ्ट पावर योगा को हम लोग देश दुनिया भर में फैला रहे हैं, जिससे क्या होगा? हमारे देश कल्चर का एक्सेप्टेंस होगा। ये आपके फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके लोगों के बीच में ही अगर एक्सेप्टेंस है तो उससे क्या है, आपकी जो देश की सरकार है वो उस देश के खिलाफ जाने में कतराएगी, क्योंकि आपके जनता का सपोर्ट वहाँ पे कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और बेसिकली प्रजातंत्र क्या होती है? वो प्रजा से ही चलती है। समझ में आया चीज़? तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है उसको 21 जून को यूनाइटेड नेशन ने ही डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ आर सॉफ्ट पावर आउटरीच। तो ये दिखाता है कि हमारा सॉफ्ट पावर आउटरीच कितना है। समझ में आया चीज़? Use of social media ID not only to connect with youth, लेकिन also to build the Nation India branch. ठीक है, branch, brand. ठीक है ना? Organizing campaigns for Make in India, holding trade fairs abroad and organizing events जैसे कि Raisina Dialogue. ठीक है ना? इसकी वजह से क्या है, इंडिया का सॉफ्ट पावर जो है वो वर्ल्ड वाइड दिख रहा है। इसी टाइप से आपका प्रोजेक्ट मौसम है, स्पाइस रूट प्रोजेक्ट जो हैं आपके, टू रिवाइव इंडिया का ट्रेडिशनल कनेक्टेडनेस विद द ईस्टर्न अफ्रीका एंड टू साउथ ईस्ट एशिया। और सिल्क रोड को खोल देना, ठीक है, विच वॉज एंशियंट ट्रेड रूट दैट स्पैंड अक्रॉस द एंटायर एंशियंट कॉन्टिनेंट एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप रिस्पेक्टिवली। ये सब आपके कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार ने लिया है, प्रोजेक्ट मौसम, स्पाइस रूट, सिल्क रोड को रिवाइव करना। ठीक है, इससे क्या है, हमारा जो पुराने जमाने से जो कनेक्टेडनेस चली आ रही थी विश्व के देशों के साथ, वो आपस हम लोग एक तरह से दर्शा रहे हैं। इंडिया हैज ऑल्सो एक्सरसाइज अ सॉफ्ट पावर थ्रू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ बॉलीवुड। एजुकेशनल स्कॉलरशिप एक्सटेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन देशों से काफ़ी आपके स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स आ गए या फिर इंजीनियरिंग के आते हैं इस टाइप से। ठीक है,
के आते हैं, ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक्सटेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ टू हेल्प मिटिगेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ये भी आपका सॉफ्ट पावर बढ़ाता है। सिंस ऑफ जैसे अफगानिस्तान में आप देख लीजिए, इंडिया ने काफ़ी डैम वैम बिल्ड किए हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लाइब्रेरीज बिल्ड की हैं, इसलिए वहाँ पे जो अफगान की जनता है, भले ही वहाँ पे अमेरिका ने काफ़ी टाइम से रूल किया है, ठीक है, मतलब कंट्रोल किया है अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान में इंडियंस जो हैं उनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है इन अफगानी पीपल, ठीक है। तो सिंस सॉफ्ट पावर इज परसीव टू बी इनटैंजिबल इंग्रेडिएंट ऑफ स्टेट पावर, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर, इनटैंजिबल होता है, इंटैंजिबल मतलब जिसको आप मेजर नहीं कर सकते एक तरह से, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर कि डेफिनेट इंपैक्ट कितना है इसका। फर्दर जो सॉफ्ट पावर है, इट हैज सो फार फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी विदाउट द बैकिंग ऑफ अ फोकस पॉलिसी और एडिक्वेट बैकिंग विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसी के साथ साथ जो क्रिटिक्स है सॉफ्ट पावर के, वो कहते हैं कि सॉफ्ट पावर कैन नॉट सब्सटीट्यूट हार्ड पावर एंड हेल्प्स ओनली इफ द कंट्री हैज बिल्ड अप इट्स कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। जो क्रिटिक्स है सॉफ्ट पावर पॉलिसी की, ये कहते हैं कि सॉफ्ट पावर ठीक है, लेकिन वो हार्ड पावर, हार्ड पावर मतलब मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री एक्शन जो आपका वॉर है, ठीक है, बेसिकली उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। सबसे पहले अगर आपके पास इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर ऑलरेडी है, तब आप सॉफ्ट पावर जो है यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी एक्सेप्टेंस ओवरऑल बढ़े, समझ में आ रहा है। लेकिन आप सीधा अगर सॉफ्ट पावर की बेसिस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करवाएंगे तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, वो आइडियलिस्टिक हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए कंक्लूजन, तो लिमिटेड एविडेंस जो है सजेस्ट करता है कि इंडिया का सॉफ्ट पावर अट्रैक्शन अब्रॉड काफ़ी है, पर्टिकुलरली हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया का, इंडिया हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट एफर्ट टू फर्निश इट्स पार्टनरशिप इमेज। इंडिया की सॉफ्ट पावर इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू बॉलीवुड और ग्लोबल आइकन जैसे महात्मा गांधी, इसी खुद की आइडेंटिटी एज अ डेवलपिंग कंट्री विद एन एंट्रेंच्ड डेमोक्रेसी। एंट्रेंच्ड डेमोक्रेसी मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी पक्की डेमोक्रेसी है, नॉट लाइक पाकिस्तान जहाँ पे एवरी टाइम जो डेमोक्रेसी है इट इज ओवरथ्रोन एंड मिलिट्री की जो डिक्टेटरशिप है वो वहाँ पे आ जाती है। और राइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है ये इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव डेवलपमेंट पैराडिम बनाते हैं फॉर अदर, पैराडिम मतलब रोल मॉडल फॉर अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सॉफ्ट पावर का आउटरीच इंडिया का कितना है, बट एक बात गौर करने की है कि सॉफ्ट पावर जो है ये आपके हार्ड पावर को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, इट कैन हेल्प अगर ओनली इफ ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर ऑलरेडी, यानी कि हार्ड पावर जो है वो ऑलरेडी हमारी ऑलरेडी डेवलप्ड हो, समझ में आया चीज। तो ये हमारा आज के लिए आखिरी क्वेश्चन था फॉर डिस्कशन, नेक्स्ट लेक्चर में वील कंटिन्यू विद द फर्दर क्वेश्चंस। सो थैंक यू।